बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंट कॉलेज ई लर्निंग प्रोग्राम। आज हम इंग्लिश बुक टू के लेसन नंबर 3 वाई बॉयज़ फेलिंग कॉलेज के पार्ट सेकंड की तरफ मूव कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पहले 4 टॉपिक्स को कवर किया था इस लेसन के, जिसमें नर्वस हैबिट्स थी रीजंस ऑफ फेलियर दिए हुए थे। तो नर्वस हैबिट्स फर्स्ट टॉपिक था, मिस्टेक एंड एम्बिशन, ओवर कॉन्फिडेंस एंड हेल्थ इशूज़। इन 4 टॉपिक्स को हम लोगों ने डिटेल स्टडी किया लेसन के साथ भी, इसके सिनोनिम्स भी पढ़े। आज इसके बकिया हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, जिनमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं, स्पोर्ट्स एंड लिटरेरी एक्टिविटीज़ को, लेजी ब्लफर्स एंड डीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले फाइनेंशियल प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम किस तरह से लीड करते हैं रीजंस ऑफ फेलियर को। बच्चों को अपनी फीस पे करने के लिए कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पेरेंट्स इतने स्ट्रांग नहीं होते, उनका बैकग्राउंड इतना बच्चों का स्ट्रांग नहीं होता कि वो अच्छी तरह, वो बिल्कुल फ्री रिलैक्स होकर जो है वो सिर्फ अपनी स्टडी पर तवज्जो दें और पढ़ाई के लिए जो अखराज आते हैं उन पर उनकी तवज्जो ना रहे। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को बिल्कुल उनके बलबूते पर छोड़ देते हैं कि वो खुद ही सारा कुछ जो है वो मैनेज करेंगे। तो राइटर जो है वो बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियल प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक कॉमन रीज़न है ज़्यादातर स्टूडेंट्स में, जिसकी वजह से बच्चे फेल हो जाते हैं। क्यों फेल होते हैं? क्योंकि वो पढ़ाई के साथ साथ वर्किंग आवर्स में भी जो है वो जा रहे होते हैं। क्या होता है कि वो पढ़ने के दौरान जो है वो पढ़ाई की तरफ फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन उनका आधा ध्यान जो है वो उस जॉब पर भी होता है जहाँ पर उन्होंने जाना होता है आफ्टर स्कूल आवर्स। तो राइटर हमें बता रहा है कि बिसाइड स्टडी दे वर्क फ्रॉम 6 PM टू 2 AM। अब देखिए, अगर एक बच्चा सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक स्कूल आवर्स में टाइम गुजार रहा है, स्कूल में टाइम गुजार रहा है, तो 6 से 2 बजे तक वो जॉब भी करेगा। इट मीन्स कि उसके पास दरमियान में सिर्फ ट्रैवलिंग का थोड़ा सा वक्त बचा है, वो उस दौरान जो है वो अपनी पढ़ाई पर फोकस करता हुआ पढ़ाई को रिपीट नहीं कर सकता, रिवाइज नहीं कर सकता। फिर 2 बजे अगर वो सुबह फारिग हो रहा है अपने काम से, तो उसका दिमाग जो है वो इतना ज़्यादा इतने लॉन्ग आवर्स में काम कर करके एग्जॉस्ट हो चुका होगा और वो मज़ीद कुछ करने के काबिल नहीं रहेगा। अल्टीमेटली क्या होगा कि उस वो जो है वो फेल होगा। इसके अलावा राइटर हमें ये भी बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स बहुत हद तक एक्सट्रीम लेवल तक जो है वो चले जाते हैं अपने अखराजात को पूरा करने के लिए। वो एक्सट्रीम लेवल क्या है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करें, वो खून देने से भी गुरेज नहीं करते। ये एक बड़ी बिटर रियलिटी है जो राइटर हमें बता रहा है कि बच्चों को दूसरों को खून देना पड़ता है, वो खून बेचते हैं अपना और उससे जो है वो अपने फीसिस जो हैं वो पे करते हैं। 5th पैराग्राफ है लेसन में इस फाइनेंशियल प्रेशर के हवाले से, जिसकी 3rd लाइन है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नो बॉय ought to be compelled to earn his entire way through college if it can in any way be avoided. कोई भी बच्चा ऐसा नहीं चाहता, वो अवॉइड करना चाहता है, कर सकता है जो भी है जैसे भी है, लेकिन कोई भी बच्चा ऐसा नहीं चाहता कि वो स्कूल टाइमिंग में फाइनेंशियल प्रेशर से गुजरे। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो वो उसको छोड़ नहीं सकता कि सिर्फ अपने फाइनेंशियल रीजंस की वजह से अपनी पढ़ाई को वो पीछे छोड़ दे। फिर आगे राइटर बता रहे हैं, नॉट ओनली डज ही गेट अ माइटी पुअर लिविंग बाय द प्रोसेस बट अ माइटी पुअर एजुकेशन एज वेल। इफ़ द बॉय ऑट टू गो टू कॉलेज एट ऑल, ही ऑट टू बी ट्रस्टेड टू मेक गुड यूज़ ऑफ रीजनेबल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स टूवर्ड हिज एक्सपेंसेस। अब उसकी ख्वाहिश, उसकी चाहत क्या है कि उसके पेरेंट्स की तरफ से एक रीजनेबल कंट्रीब्यूशन ज़रूर होना चाहिए। रीजनेबल कंट्रीब्यूशन होगा तो वो आसानी के साथ अपनी एजुकेशन को कैरी ऑन कर सकेगा। रीजनेबल कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, यानी पेरेंट्स उसकी फ़ीस बर्दाश्त नहीं कर रहे, उसके अखराजात को कंट्रोल को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे को सारा का सारा लोड अपने ऊपर बर्दाश्त करना होगा और उससे क्या होगा कि वो अल्टीमेटली फेल हो जाएगा। नेक्स्ट बता रहे राइटर बता रहे, द बॉय डिडंट आस्क हिज पेरेंट्स टू ब्रिंग हिम इनटू वर्ल्ड, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस हिज बीइंग हियर एंड कॉन्सिक्वेंटली दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गिविंग हिम द बेस्ट इक्विपमेंट पॉसिबल टू मीट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम। अब राइटर ये भी कह रहे हैं कि
कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पेरेंट्स पर, बिल्कुल पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होते हैं कि पेरेंट्स हमारे लिए जो करें करें, हम इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। अगर हमने एजुकेशन हासिल करनी है तो हमारा मकसद सिर्फ एजुकेशन हासिल करना है, हमारा मकसद उस एजुकेशन को हासिल करने के लिए अखराजात का या पैसों का अरेंजमेंट करना नहीं है। वर्ड्स प्रॉब्लम जो भी हमें फेस करने होंगे, हमारे पेरेंट्स पहले फेस करेंगे, उसके बाद हम उसको फेस करेंगे। तो ये इस तरह की सिचुएशन भी बच्चों को उसका सामना करना पड़ता है। कुछ बच्चे उसको बड़ी अच्छी सी आसानी के साथ जो है वो निकल जाते हैं वहाँ से, और कुछ बच्चे जो हैं वो वहाँ पर स्टक हो जाते हैं। तो उस सारे सिस्टम में अब राइटर आगे आकर बता रहा है कि ये हेल्थ इश्यूज़ भी कॉज करता है। फाइनेंशियल प्रेशर जो है वो हेल्थ इश्यूज़ की वजह भी बनता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि मुसलसल काम करने के साथ उनकी सेहत डाउन हो जाती है, वो बीमार हो जाते हैं। मेंटल या फिज़िकल वीकनेस की वजह से वो ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते अपनी एजुकेशन पर, और उससे जो है वो उनकी फेलियर जो है वो जाहिर सी बात है कि 100% रहेगी। सिक्स पैराग्राफ की तरफ आ रहे हैं। नेवर्थलेस मैनी बॉयज़ आर कास्ट इंटायरली ऑन देयर ओन रिसोर्सेज फॉर देयर कॉलेज एक्सपेंसेस एंड इट इज़ ऑलवेज टू द डेट्रीमेंट ऑफ देयर हेल्थ। डेट्रीमेंट मीन्स डैमेज, उनकी सेहत जो है वो ख़राब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और द वैल्यू ऑफ देयर एजुकेशन, या फिर दो सूरतें हैं, या उनकी सेहत ख़राब हो जाएगी, सेहत को नुकसान पहुँचेगा, या फिर उनके एजुकेशन को नुकसान पहुँचेगा, और बोथ, या ऐसा भी हो सकता है कुछ कंडीशंस में कि दोनों चीज़ें सफ़र कर जाती हैं, बच्चों की हेल्थ इश्यूज़ भी और बच्चों की एजुकेशन भी। एनी बॉय कैन अर्न अ पार्ट ऑफ हिज एक्सपेंसेस विदाउट हर्टिंग हिमसेल्फ एंड इन माय एक्सपीरियंस मैनी बॉयज़ आर विलिंग टू अर्न मोर देन देयर शेयर इन ऑर्डर टू सेव द बर्डन ऑफ देयर पेरेंट्स। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, राइटर का कहना ये कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पेरेंट्स का बोझ बर्दाश्त करते हैं, बोझ बांट लेते हैं, वो पेरेंट्स पर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर इन्हसार नहीं करते। उसकी वजह से वो खुद जो है वो उस फील्ड में चले जाते हैं कि हम जो हैं वो पेरेंट्स को हेल्प आउट करेंगे, उन पर जो है वो ज़्यादा जो है वो बोझ नहीं बनेंगे। बट टू सी बॉयज़ बाय द डजन टेक जॉब्स लास्टिंग फ्रॉम 6 o'clock इन द इवनिंग टिल 2 in the morning 6 days इन अ वीक। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि बच्चों को 6 बजे से 2 बजे तक वर्किंग आवर्स में भी जाना पड़ता है, जॉब भी करना पड़ती है। उसके लिए क्या होता है, वो कितने डेज इन अ वीक था, वो 6 days in a week, यानी 7वें दिन अगर छुट्टी मिल भी रही है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है उसको। टू सी बॉयज़ अंडर गोइंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड टू गेट मनी फॉर देयर फूड एंड बुक्स, कि वो इस तरह की सिचुएशन में ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड से भी गुजर जाते हैं अपने जो है वो सारी की सारी नीड्स को, डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए। इज़ अ हार्ड ट्रेनिंग स्पेक्टिकल, राइटर का कहना ये कि बहुत ही पेनफुल साइट है, ये बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस है बच्चों का कि अगर वो जो है वो इस सारी चीज़ों से गुजर रहे हैं तो। मैनी ऑफ आवर बॉयज़ ऑफ फाइनेस्ट करेक्टर एंड एक्सलेंट एबिलिटी आर डूइंग जस्ट दिस काइंड ऑफ थिंग एंड इनएविटेबली इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर अपरेंट फेलियर। ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है इस फेलियर के लिए। अब राइटर जो है वो नेक्स्ट आकर इसका सोल्यूशन भी दे रहा है। सोल्यूशन क्या दे रहा है कि कॉलेज इंतज़ामिया को चाहिए कि उसके लिए कुछ स्कॉलरशिप्स का अरेंजमेंट करे, कोई स्कॉलरशिप्स दे ऐसे बच्चों को जो नीडी पुअर पीपल होते हैं, उनको स्कॉलरशिप्स दिए जाएँ ताकि बच्चे जो हैं वो अपने फाइनेंशियल डिज़ायर्स को पूरा करते हुए अपनी एजुकेशन को बग़ैर किसी इंटरप्शन के कंटिन्यू कर सकें। इस पूरे इन दोनों पैराग्राफ्स में, 5th और 6th पैराग्राफ में, ये चंद एक वर्ड्स हैं जो सिनोनिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिनोनिम्स के तौर पर आ सकते हैं। कंपेल्ड मीन एनफोर्स्ड करना, किसी को ज़बरदस्ती लेकर जाना। ट्रांसफ्यूजन मीन्स गिविंग ब्लड टू अदर्स, यानी खून का जो है वो खून किसी और इंसान को ट्रांसफ्यूज करना, देना, ट्रांसफर करना। ऑब्लाइज्ड कंपेल्ड, कंपेल्ड का भी हमने मीनिंग ऊपर पढ़ा। एनफोर्स्ड। डेट्रीमेंट मीन्स डैमेज, अपनी सेहत को या अपने एजुकेशन को नुकसान पहुंचाना। हार्ड ट्रेनिंग पेनफुल। एलिविएट लेसन, कम करना, किसी चीज़ को कम करना। ये जो है वो अभी तक फाइनेंशियल प्रेशर हम अभी पढ़ रहे थे, नेक्स्ट जो है वो हम आगे
स्पोर्ट्स एंड लिटरेरी एक्टिविटीज़ की तरफ जा रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो स्पोर्ट्स एंड लिटरेरी एक्टिविटीज़ है। देखा जाए तो स्पोर्ट्स एंड लिटरेरी एक्टिविटीज़ एक पॉजिटिव जो है वो चीज़ है कॉलेज के अंदर, के बच्चे उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो वो अच्छी तरह से सब कुछ सीख सकते हैं, वो उनका जो मेंटल लेवल है वो इंक्रीज़ होता है। लेकिन यहाँ पर राइटर जो है वो उसकी एक नेगेटिव पहलू के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हर चीज़ की ज़्यादती बुरी होती है, वैसे स्पोर्ट्स और लिटरेरी एक्टिविटीज़ में स्टूडेंट्स का बेजा अमल दखल जो है वो भी उनके लिए नुकसान का बाइस होता है। वो कैसे? स्टूडेंट्स कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं, उनका मेन मकसद क्या होता है कि उन्होंने पढ़ना है, उन्होंने वो एजुकेशन हासिल करनी है जिसके लिए उनके पेरेंट्स सफ़र कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स जो है वो अखराजात बर्दाश्त कर रहे हैं उनके लिए। लेकिन अगर वो स्पोर्ट्स और सो कॉल्ड लिटरेरी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो जाएंगे, उनमें जो है वो मसरूफ़ रहेंगे, तो वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे सकेंगे। तवज्जो ना देने की वजह से क्या होगा? फेलियर उनका मुकद्दर होगी। अब राइटर क्या बात करें स्पोर्ट्स और लिटरेरी एक्टिविटीज़ में, वो कह रहे हैं कि इनकरेजेबल थिंग है, ये वो इनकरेज कर रहा है, इस चीज़ को होनी चाहिए, एक पॉजिटिव स्टेप होता है बच्चों की लाइफ में। अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में या लिटरेरी एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है तो उसे चाहिए कि वो उस चीज़ को बैकअप पर रखे, लेकिन अपनी स्टडीज़ पर भी फोकस करे। उससे क्या होगा कि अपनी स्टडीज़ पर फोकस करेगा वो कामयाब हो जाएगा, और नेक्स्ट जब कॉलेज से बाहर जाएगा, कॉलेज से निकलेगा, आउटर वर्ल्ड में जाएगा, तो उस स्पोर्ट्स या लिटरेरी एक्टिविटीज़ को उनको एज अ प्रोफेशनल पर्सन जो है वो ज्वाइन करे और वहाँ पर जो है वो अपनी जोर आजमाई करे, वहाँ पर अपना नाम बनाए। इस सूरत हाल में राइटर इसको इनक्रेज करें। लेकिन अगर ये स्पोर्ट्स और लिटरेरी एक्टिविटीज़ ऑन द कॉस्ट ऑफ स्टडी है तो वो फिर उनको बिल्कुल निगेट कर रहा है, वो बिल्कुल उसके खिलाफ है। फिर वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट शुड नो व्हाट कॉलेज इज़ फॉर। स्टूडेंट को पता होना चाहिए, उसको रियलाइजेशन इस बात की होनी चाहिए कि वो कॉलेज आ रहा है तो क्यों आ रहा है, कॉलेज क्यों बनाया गया, उसका वहाँ पर दाखिला क्यों करवाया गया, वो वहाँ पर जो पढ़ रहा है वो किस लिए पढ़ रहा है, उसको हर चीज़ की नो हाउ होनी चाहिए। सेवन्थ पैराग्राफ है बुक में, देर आर ऑलवेज अ गुडली नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट्स हुज हेड्स आर टर्न्ड एंड हुज जजमेंट इज परवर्टेड बाय द अट्रैक्टिवनेस ऑफ एथलेटिक स्पोर्ट्स एंड लिटरेरी एक्टिविटीज़। परवर्टेड मीन्स टर्न टू रॉन्ग यूज़, मतलब उनकी जो है वो ख्याल जो है वो गलत सिम चले जाते हैं, उनका ख्याल होता है कि स्पोर्ट्स और लिटरेरी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने से वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। ऑल ऑफ दीज फीचर्स ऑफ कॉलेज लाइफ हैव देयर प्लेस एंड शुड रिसीव द सपोर्ट ऑफ दो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन दैम। अब जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा कि राइटर उस चीज़ को इनक्रेज कर रहा है कि इस चीज़ को इनक्रेज किया जाना चाहिए, वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं उनको आगे आना चाहिए। In my experience, the awakening of a clear judgment as to what the college is for is not as difficult as is often supposed. कि जैसा समझ लिया जाता है वैसा इतना मुश्किल है नहीं, कॉलेज किस मकसद के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ अ बॉय इज़ टू मच इंटरेस्टेड इन दीज साइड शोज इन लिटरेरी एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, ही ऑट टू गेट आउट ऑफ द मेन टेंट। टेंट मीन्स मेन स्ट्रीम में से निकले एंड बिकम प्रोफेशनल। फिर इस कोर्स इस स्फीयर में से निकले, वो बाहर निकले और प्रोफेशनल बन जाए अगर उसका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इस फील्ड में है। बट मोस्ट ऑफ देम रियली आर नॉट। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि ऐसे स्टूडेंट सिर्फ कॉलेज लाइफ में ही स्पोर्ट्स को फेवर करते हैं। क्यों? वो सिर्फ भागने के लिए, एजुकेशन से भागते हैं और स्पोर्ट्स की तरफ चले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि वो बाद में उसको प्रोफेशनली भी ज्वाइन करें। And if reasoned by a friend who knows youth and understand the importance of the college opportunity, they will not allow themselves to be swept off their feet by athletics. फिर ऐसे स्टूडेंट के बारे में बात करें जिसे पता है कि कॉलेज किस मकसद के लिए आ रहा है, वो कभी भी अपने पैरों को अपने कदमों को जो है वो गलत रास्ते पर नहीं डालेगा, वो गलत रास्ते की पैरवी नहीं करेगा, वो हमेशा ठीक जिस मकसद के लिए वो कॉलेज आ रहा है उसी मकसद को ही सामने रखेगा। आई डू नॉट थिंक दैट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज एज सीरियस अ रीज़न फॉर फेलियर एज डू सम ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ आवर कॉलेजेस हु सी थिंग्स फ्रॉम द आउटसाइड एंड एट अ लॉन्ग
रेंज। अब राइटर ये भी कह रहे हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि स्पोर्ट्स और लिटरेरी एक्टिविटीज़ इस कदर ज़्यादा इन्वॉल्व हैं रीजंस ऑफ फेलियर में। कुछ क्रिटिक्स का कहना यही है कि रीजंस ऑफ फेलियर में स्पोर्ट्स और लिटरेरी एक्टिविटीज़ भी हिस्सा लेती हैं, लेकिन इसका राइटर का हर्बर्ट ई हॉक्स का ये ख्याल नहीं है। वो उसका ख्याल यही है कि ये स्टूडेंट के बिहाफ पर होता है, वो उस चीज़ को कितना टाइम दे रहा है। ये साथ साथ मैंने आपसे उनके सिनोनिम्स वर्ड के आसान मीनिंग्स भी डिस्कस कर लिए हैं। परवर्टेड मीन्स टर्न टू रॉन्ग यूज़, अवेकनिंग मीन्स अवेयरनेस, आगाही हासिल करना, टेंट टेंट मेन टेंट का मतलब है मेन स्ट्रीम में से, मेन कोर्स में से निकल जाना, स्वेप्ट ऑफ, अलाउ देमसेल्व्स टू बी कैरिड अवे, अपने आप को इजाज़त देना कि हमें जो है वो कोई जो है वो सैलाब आए और अपने साथ भाग कर ले जाए, इस चीज़ की किसी को इजाज़त नहीं देनी चाहिए। हम नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लेजी ब्लफर्स। लेजी ब्लफर्स कौन होते हैं? वो सुस्त, लेजी सामने का ऑब्वियस सा मतलब है कि सुस्त लोग, ऐसे सुस्त स्टूडेंट्स जिनका कोई मकसद हयात नहीं होता। वो आते हैं कॉलेज, उन्हें नहीं पता होता कि वो किस मकसद के लिए आ रहे हैं, उनको उनके पेरेंट्स दाखिल करवा देते हैं। उनका अक्सर स्टूडेंट्स का कहना ये होता है कि हमें हमारे पेरेंट्स ने दाखिल करवा दिया, हमें हम अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी से ये सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। उनका कोई जो है वो मकसद नहीं होता, वो एमलेसली आ रहे होते हैं। उनको ना ये पता होता है कि वो आगे जाकर क्या बनेंगे, बस जो हमें वक्त ने हालात ने बना दिया हम वही बन जाएंगे। तो ऐसे लेजी ब्लफर्स के बारे में राइटर कह रहा है कि ऐसे लेजी ब्लफर्स भी होते हैं जो कॉलेज आते हैं, और ऑब्वियस सी बात है ये इनके मुकद्दर में होना ही नाकाम लिखा होता है। क्यों लिखा होता है? क्योंकि उनका ध्यान ही नहीं होता, उनको जो है वो किसी चीज़ की वक़्त का एहसास ही नहीं होता कि किसी चीज़ को कौन सी चीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट है, उसको किस वक्त में किस जगह पर लेकर चलना है, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो पाता, इस वजह से वो नाकाम होते हैं। तो ऐसे लेजी ब्लफर्स के साथ वो राइटर कह रहे हैं कि उनको जो है वो कोल्ड वर्ड में छोड़ देना चाहिए। कोल्ड वर्ड का उसने ये फ्रेज वर्ड इस्तेमाल किया है, कोल्ड वर्ड मीन्स सर्द मोहर दुनिया। सर्द मोहर से मुराद ऐसी दुनिया जो किसी पर रहम नहीं करती, जालिम समाज, उसके हवाले कर देना चाहिए। उसका ये फ़ायदा होगा कि ऐसा स्टूडेंट सीखेगा, कुछ एक्सपीरियंस लेगा, बिटर एक्सपीरियंस से कुछ सीखेगा अपने। वो क्या सीखेगा? वो ये सीखेगा कि अगर वो मुनासिब तरीके से वो सारी तालीम हासिल करता रहता जो उसके मुकद्दर में उस टाइम थी, तो शायद उसको जो है वो इतनी सख्तियाँ बर्दाश्त ना करनी पड़ती। फिर क्या होता है? राइटर कहता है हो सकता है वो इन तजर्बात से गुजरने के बाद वापस आ जाए और सीधे रास्ते पर चलने लगे। यानी ये ऐसा स्टूडेंट सिर्फ अपने तजर्बात से ही सीखता है, वो किसी और के तजर्बात से सीखने का मुतकाजी नहीं होता, वो नहीं चाहता ही नहीं है कि वो सीखे। पैराग्राफ में राइटर जो है वो बता रहा है, अ फ्यू लेजी ब्लफर्स ड्रिफ्ट इनटू कॉलेज एंड यूजुअली ड्रिफ्ट आउट अगेन। ड्रिफ्ट का मतलब होता है आना, कम इन एंड कम आउट। वो आते हैं और चले जाते हैं और एमलेसली जाते हैं। Most of them have not found any serious interest in life and some of them never will. कुछ students ऐसे होते हैं जिनको ज़िंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं होती, उनका कोई मकसद नहीं होता, कोई मफाद नहीं होता, और कुछ student ऐसे होते हैं जिनका कभी भी नहीं होता। यानी जो कुछ ऐसे होते हैं जिनका नहीं होता, लेकिन वक्त के साथ साथ उनकी ज़िंदगी बामकसद हो जाती है, लेकिन कुछ जो हैं वो बिल्कुल ही बेमकसद ज़िंदगी गुजार देते हैं। It is usually wise to let them retire. रिटायर का मतलब है वापस भेज देना, गो बैक टू द कोल्ड वर्ल्ड, क्रूअल वर्ल्ड, फॉर अ रीज़न एंड फाइंड आउट बाई एक्सपीरियंस हाउ मच डिमांड देयर इज़ फॉर अ लेजी ब्लफर, ताकि वो एक्सपीरियंस कर सके ये एक लेजी ब्लफर की डिमांड कितनी है हमारी सोसाइटी में। ऑब्वियस सी बात है कोई डिमांड नहीं है, कोई उनको पूछेगा नहीं, कोई उनसे जो है वो अपनी काम करवाने में रजामंदी का इजहार नहीं करेगा। For a reason and sometimes they learn their lesson and return to do first rate work, but the burden of proof is always on them to show that they mean business. Burden of proof का मतलब है उनके ऊपर एक obligation लग चुका है, एक जो है वो टीका लग चुका है कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो एक aimless बंदा है, वो उसको उसका मकसद कोई नहीं है। अब उसको जो है वो उस
जो है वो तमगे को, उस खिताब को हटाना है। उसको हटाने के लिए उसे बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा। उस वर्कआउट को करने के लिए उसे जो है वो अपना हर हमेशा फर्स्ट रेट वर्क ही देना पड़ेगा, जो बिल्कुल ठीक। ये 7 टॉपिक्स राइटर ने हमारे साथ डिस्कस किए हैं, 7 रीजंस डिस्कस किए हैं फेलियर की, नाकामी की वजूहात, के इन वजूहात की बिना पर जो है वो बच्चे फेल होते हैं कॉलेज में। एट द एंड वो डीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें कि बहरहाल डीन जो है वो एक इंस्टीट्यूट का हेड है, उसको अपने कॉलेज में मौजूद हर स्टूडेंट के बारे में पता होता है कि उसका कौन सा स्टूडेंट किस तरह की मुश्किलात से गुजर रहा है। तो डीन को जो है वो कह रहा है कि हमेशा डायग्नोस्टिक एबिलिटीज़ का मालिक होना चाहिए, उसे जज कर देना, कर लेना चाहिए कि मेरे कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से नाकाम हो रहे हैं, कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको हेल्थ इश्यूज़ हैं, कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जो सिर्फ स्पोर्ट्स और लिटरेरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होकर जो है वो अपना वक्त ज़ाया कर रहा है। जितने भी रीजंस हैं, डीन को इन तमाम चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखना चाहिए। उसके बाद जो है वो उन बच्चों के साथ जो है एक काउंसलिंग सेशन होना चाहिए, जिसमें वो उन बच्चों के मुश्किलात का जायज़ा ले, उनको उनका हल दे, और उसके साथ साथ उनको जो है वो उनकी मुश्किलात को ख़त्म करने की भी कोशिश करे, ताकि बच्चे जो हैं वो फुलिशनेस या सिकनेस की वजह से जो उनको नाकामियों का सामना करना पड़ा है वो कम से कम उनका रेशो किया जा सके। स्टूडेंट्स, आज हमने अपना ये लेसन इसको यहाँ पर ख़त्म कर लिया है, वाई बॉयज़ फेलिंग कॉलेज। इसके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको हमारे प्लेटफॉर्म से मिल जाएंगे, आप उनको पढ़ें, उनके उनमें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना आपको हो तो आप हमसे पूछें, और जो है वो हम उसके बारे में जो है वो आपको हेल्प आउट करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।